जी मैम, हुए तुम्हाना, हुए तुम्हाना 8 लाख भारतीय कामदारों ने करा देश निकाल, मतलब 8 लाख भारतीयों को निकाल देश से निकाल दिया जाएगा। कुवैत कोरोना, अभी पढ़ो विवेक आहूजा जी, पढ़ो आहूजा साहेब, विवेक जी कुवैत में लाख नहीं, नीचे नीचे कोरोना, हाँ पढ़ो गुलशन जी, पढ़ो महामारी दुनिया नेटवर्क इश्यू बहुत है, नेटवर्क इश्यू है, ठीक है मैं पढ़ रही हूँ। कुवैत नेटवर्क इश्यू बहुत है दुनिया, सुनो कुवैत कोरोना महामारी है दुनिया आखी मां हाहाकार मचाव्यो छे, मतलब कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन ने दुनिया पूरी में आखी मतलब होल वर्ल्ड पूरे विश्व में पूरे में हाहाकार मचाया है। छेल्ला मतलब लास्ट, अब जो मैं सिखा रही हूँ ना उसको लिखो जी। तभी आपके माइंड में वो चीजें सेट होगी। छेल्ला मतलब लास्ट, 6 महीना थी, आप एक तरफ गुजराती रखो सामने इंग्लिश रखो, क्योंकि एक बार का लिखा 3 बार का लिख याद रह जाएगा। छेल्ला मतलब कहीं पे भी छेल्ला आएगा तो यू कैन रिमेम्बर के लास्ट, पिछले छह महीने से थी आ गया, थी मतलब जो वो हमने किया था वो हाइलाइटर कहाँ है बेटा, ये वाला दिस वन स्पॉटलाइट है, देखो ये थी है, नहीं है स्पॉटलाइट। मैडम मैं पढूं इसको, मैडम मैं पढूं, वाचो पढ़ो, मैं पढूं मैडम, हाँ हाँ। कोरोना महामारी दुनिया आखिया हाहाकार मचायो छे, छेला 6 महीना थी मारे मारे मुश्किल में फसाईली दुनिया ने नहीं आ, एक वो दयाल साहब कहाँ गए, अरे कट गया जी, अरे जब दयाल साहब कहाँ गए पता नहीं, तो बड़ी कट रही है स्क्रीन को मैम, अच्छा ये पढ़ो, चलो नहीं दिखाई दे रहा, पढ़ो
पुलिस स्टेशन माथी जमीन आपवामी सत्ता छिनवाई। पुलिस स्टेशन में जमीन आपवानी सत्ता छिनवाई। गुलशन जी सुनो सुनो, गुलशन जी यहाँ पे माँ गया, मैंने सिर्फ दो चीज सिखाई, माँ मतलब मैं, थी मतलब से, ठीक है। अब आपको गुजराती नहीं आ रहा, ठीक है, आपको सिर्फ दो शब्द, आपको सिर्फ दो शब्द आ रहा है, पुलिस स्टेशन में से जामीन देने की सत्ता छीनी गई। अभी आपको मैंने नो नी ना सिखाया था, मतलब काकी के देने की, देने की, ठीक है। अब देखो वहीवट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कर कर ही घंटों में ही जामीन देने की प्रथा को ब्रेक। मैडम वहीवट क्या हुआ? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट, यहाँ पे वहीवट का मतलब बहुत सेंस होता है, यहाँ पे मैनेजमेंट करके या मैनेज करके ही, जैसे वहीवट एडमिनिस्ट्रेशन भी होता है, पॉलिटिक्स भी होता है। जब तक हम कहानी नहीं पढ़ते तब तक हमें नहीं समझ आएगा, ठीक है जी। अब किस लेवल पे टॉन्ट पे मारा है या किस पे मारा है नहीं पता ना, तो वो भी देखना पड़ेगा जी, जी, जी. कि वहीवट करके अभी कौन सा वहीवट है। तो मतलब मैनेजमेंट करके घंटों में ही जामीन देने की प्रथा को ब्रेक। अब हर एक आरोपी को कोर्ट में ही, देखो गुलशन जी माँ मतलब मैं, कोर्ट में ही पेश करना कंपलसरी है कायदा में, लॉ में अमेंडमेंट सुधारो, ठीक है, ठीक है। राजकोट विवेक जी पढ़ो, आहूजा साहब आहूजा कहाँ गए? वो सुनाई नहीं दे रहा उनको शायद, ठीक है। राजकोट तारीख 15 केंद्रना कायदा विभागे, विभाग मतलब डिपार्टमेंट, सीआरपीसी की 41A मा अमेंडमेंट करी, पुलिस स्टेशन मा आरोपियों ने जामीन आपवानी जोगवाई, जोगवाई मतलब प्रोविजंस। मैम मैं साफ नहीं है सब नीचे साफ, वाला। हाँ मैं पढ़ रही हूँ तो भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा ठीक, अब क्लियर क्लियर, थोड़ा सा क्लियर है, ब्लर है मैडम, थोड़ा ब्लर है, हंसी दर्द ब्लर है, एक सेकंड मैं दूसरा नहीं चल रहा है, नहीं लिविट दूसरा करते, वो ऑप्शन है हमारे पास तो, मेरा बैठ गया था, दोबारा लॉगिन करो, नहीं एक सेकंड हूँ बीजू कर। अच्छा ठीक, न्यूज़पेपर एजल बहुत करे थे, कर देंगे तो मैम, नहीं एक सेकंड आप पूछो तो मैम, क्या कह रहे हो आयरा? वहां से पहले वो सेट होता है फिर वो होता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। पता नहीं क्यों क्या दिक्कत आ रही है, दिखाई दे रहा है नहीं आया अभी नहीं मैम जी, मैम मैम आपकी अभी ये दिखाई दे रहा है नहीं मैम? हाँ जी मैम दिखाई दे रही है जी, आपने स्क्रीन शेयर किया है, आया कुछ नहीं है जी, आई नहीं ओपन हुआ मैम, ओके वन सेकंड डेस्कटॉप अवे, नहीं नहीं अब आया जी, हाँ हाँ भूपेश जी पढ़ो जी। कुवैत माना एक कुवैत माना अब तो बड़ा बड़ी स्क्रीन है ना, अब नीचे पढ़ो पढ़ो, छेला मतलब लास्ट 6 महीने से भारी मुश्किली में, पढ़ो छेला लास्ट 6 महीना से मारे मुश्किल में फसाईली दुनिया, इस महामारी से छुटकारा नहीं मिल रहा है। देखो कंटिन्यूअस आया, इस महामारी से छुटकारा नहीं मिल रहा, जी जी मिल रहे हो, मिल रहा है महामारी, महामारी भलभली भलभली अर्थव्यवस्था मतलब ना पाया हलावी ना पाया ना, क्या अच्छे महामारी मतलब ने उसका बेस भल भली, अच्छी खासी
भल भल हाँ अच्छी खासी अर्थव्यवस्था का बेस हिला दिया है। तेमा तेमा पण खाड़ीना देशों की स्थिति तो वधारे कथली छे। इस उनके उनके जो मतलब आइलैंड्स है, भी जो आइलैंड्स है, जो खाड़ी है, वो देशों की स्थिति खाड़ी, तो खाड़ी देशों की स्थिति उनसे भी स्थिति तो वधारे कथली हल्की है, खराब है। कुवैत में रहना रहा लाखों भारतीयों पर संकट तोड़ाई रहा छे। तो कुवैत में रहने वाले लाखों भारतीयों पर संकट तोड़ाई क्या हुआ मैडम? मतलब संकट बैलेंस हो रहा है, मतलब तोल रहा है, मतलब काफी लाखों भारतीयों पर संकट मंडरा रहा है। अब सिद्धार्थ जी आप पढ़ो, समझ आया जी। सिद्धार्थ जी समझ आया? यस मैम। 50-50 आया? यस मैम। कोई बात नहीं, 50-50 पे एंजॉय करना, ऐसे नहीं है कि 50-50 में फिर डर के मना कर दो, ऐसे नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। 10% भी आए तो हमें खुद को बहुत अच्छा फील कराना है, ठीक है। विवेक जी पढ़ो पढ़ो। कुवैत एक नवो कायदो लागी रहू छे। अभी कल की बात बताओ, विवेक जी कह रहे थे मेरे मैम दो ही क्लास हुए और कौन पढ़ रहा है खुद को बताना। कल कह रहे हैं मेरे मैम दो ही क्लास हुए हैं और ये तीसरे क्लास में ये स्थिति है। अरे समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? ठीक है, तो न्यूज़पेपर एग्जाम में यही आपका ट्रांसलेशन आया तो आप कर पाओगे कि नहीं? सर समझ नहीं पा रहे, मतलब समझ नहीं आ रहा, वो मुझे नहीं समझ आया। गुजराती इंग्लिश तो कर लेंगे सर जी, पर से को सुनो गुजराती टू इंग्लिश कर देंगे तो जितना आप गुजराती टू इंग्लिश तो ट्रांसलेशन सुनो मैं कराऊंगी इंग्लिश टू गुजराती डन, पर आप इंग्लिश को पहले हमें गुजराती टू इंग्लिश जितना पावरफुल होगा ना, इंग्लिश टू गुजराती हमें ट्रांसलेशन बोल रहा है राइट, गुजराती टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू गुजराती, ये हमारा है ना जी। कहाँ गया आपका आवाज? इस बार तो मुहावरे वगैरह सवाने हैं। हाँ तो अभी ट्रांसलेशन बोल ये देखो सर जी, न्यूज़पेपर का मतलब ये है कि मेरा सुनो मैं आपको फॉरम बता देती हूँ। परसों हमने बताए थे मुहावरे राइट, देखो ग्रामर का मतलब होता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स करेक्शंस जोड़ने विरुद्धार्थी शब्द ठीक है, मुहावरे कहवते अलंकार संधि, ये सब आप लोग पढ़ लेना। आपको डाउट है मैं एक ही दिन में दो दो तीन तीन चीज करवा दूंगी। मतलब अलंकार में होता है बीच में अने आया, दैट इज मीन द्वंद्व अलंक, मतलब द्वंद्व समास, उपमा अलंकार, उपमा मतलब कंपेयर ठीक है, जैसे उपमा अलंकार तू तो बिल्ली जैसी काली है, लाइक दैट जैसा जैसी जैसे आता है दैट वन इज उपमा, उपमा मतलब वो व्यतिरेक अलंकार, ये सारे अलंकार के पार्ट है। फिर समास आते हैं द्वंद्व समास मतलब ये सारे जो हाँ उपमेय समास, ये सारे जो समास है तत्पुरुष समास आते हैं, सारे समास के पार्ट है, वो मैं एक ही दिन में मैं आपको समझा दूंगी। आपको हिंदी वाले ही याद रखना है, आपको हिंदी नहीं समझ आता तो वो पकड़ो ही मत, डोंट टच दैट थिंग। आपको लग रहा है कि मुझे समास समझ आता है तो समाज पकड़ो, अलंकार समझ आ रहा है तो अलंकार पकड़ो, सब कुछ मत छेड़ना ठीक है, दो चीज भी करके जाओ। एक में हो जाएगा क्या? हाँ लोअर में करवा दिया था, मुझे तो रूल्स ही बताने हैं। जैसे राम लक्ष्मण तो राम माने लक्ष्मण बन गया द्वंद्व समास, बराबर। हम कितना हिंदी में, हिंदी के पेपर में आप कितनी मेहनत करते हो ग्रामर को लेकर? विवेक जी व्हाट आई एम टेलिंग इज रूल्स समझ आने चाहिए, रूल्स समझ आ गए, मेरा तो एक ही बार का पढ़ाना है, फिर आप पढ़ो, आपके डाउट है तो पूछो।
जैसे मैंने आपको एक दिन में एक के दो दिन लग गए, पर ज्यादा हमें पता ही नहीं है कि क्या। तो ठीक है कि हिंदी में तो और प्लस भी सर, अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे सर जा सर सुनो मेरी बात, कहाँ गए विवेक जी? मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो बोलो, आपको बोलो, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। बोलिए सर, आप लिखो ऐसा है तो सुनो। अभी ये जो मैं बता रही हूँ, लास्ट टाइम अभी जो गुजरात का मेंस गया उसमें भी उन्होंने पूरा ग्रामर लिखा था। मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी जी बराबर पूरी ठीक है। इस बार जो गुजरात का मेंस गया जो 50 मार्क का था, वो अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन है कि ग्रामर में क्या पूछा जाएगा, हमें कुछ भी नहीं पता। इन्होंने ग्रामर में डिफाइन नहीं किया कि 5 मार्क का सिनोनिम्स आएगा, 5 मार्क का एंटोनिम्स आएगा, हमें कुछ भी नहीं पता। 50 मार्क का पेपर बोल दिया, आप करे तो करे क्या, 50 मार्क के लिए हमें 5000 मार्क्स का थोड़ी पढ़ना है। और ये 50 मार्क्स से आपको जज बनाने के लेके जाएंगे। अब क्या होगा, किसी को देखो जैसे मुझे छंद नहीं आते, तो आज तक मैंने कभी छंद नहीं पकड़े। छंद एक गुजरात के होता है कि मदाक्रांता छंद, वो होता है उसमें काउंटिंग करना होता है, उसमें गाने गाना होता है। जैसे मैं गाती हूँ, अब देख देखो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हूँ लोक उजागर, ठीक है, वो है चौपाई। तो वो चौपाई है, अभी हाँ अभी चौपाई है, तो चार 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 का आता है, ठीक है। अभी जिसको गाना आता है, जिसको भाषा आती है, वही तो चार 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 का ब्लॉक बना पाएगा। नहीं आता है उसको छोड़ दो। अब आपका है कि आपको अलग, अभी देखो गुलशन जी को आएगा कहेगा मुझे समाज सिखा दो मैम, कोई कहेगा मुझे सिर्फ संधि, सिद्धार्थ जी कहेंगे मुझे संधि करवा दो। तो जिसको जो चाहिए वो करवाएंगे, पर सभी में मत करो। जिसको हिंदी ही नहीं आता, जिसको अलंकार हिंदी में ही नहीं आते, वो गुजराती में क्यों छेड़ोगे। अभी जैसे यहाँ पे है, अभी देखो अभी बांग्लादेश लिखा, देखो मेरा कर्सर दिख रहा है आपको, ठीक है, ए वाला बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश एक नाम दिया, तो वो कहेंगे कि ये कौन सा है, तो बांग्ला से चलता हुआ देश, मतलब बांग्ला जाति से चलता हुआ देश, उसको पूरा डिस्क्राइब करो। अब आपको हिंदी में ऐसा आता हो तभी तो गुजराती, जब भाषा आएगी तभी तो हम डिस्क्राइब कर पाएंगे। क्या हाँ सर, इसे ये तो प्रिंटिंग फर्क है, ये देखो सब फिक्स, यू कैन सी माय, मेरे बेटी ने कल मुझे सिखाया था कि मम्मी आप ऐसे हाइलाइटर यूज कर सकते हो, मुझे तो अब तक मिला नहीं। एनीवेज शी टोल्ड मी कि मम्मा स्पॉटलाइट है, अब देखते हैं। अभी देखो ये मान्यता, यू कैन सी, यस मान्यता, ठीक है, दिस वन इज सिस्टम, ठीक है, बांग्लादेश यू कैन सी, ठीक है। अभी हम उठाते हैं रहू, ये जॉइंट है, ठीक है, सप्ताह है, सप्ताह है, यू कैन सी सप्ताह है, यू कैन सी, समझ आ रहा है। तो मैं जो कहना चाह रही हूँ कि इस बार भी हमारे 9 बच्चों ने मेंस क्रैक करा है पहली अटेम्प्ट में। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं है, हमें 50 मार्क का पेपर में हमें पहले जो जो पूछे जाते हैं उसको वैल्यू देनी है। देखो ऐसे हमारे हाथ में है निबंध, निबंध कुछ भी पूछेंगे हम लिख के आ जाएंगे, राइट, निबंध हमारे हाथ नहीं। जैसे सर आप यूपी के हो, सुनो सर, हाँ विवेक जी आप यूपी के हो, आई कैन अंडरस्टैंड यू, पर आपकी जिसका ग्रामर अच्छा है उसको ग्रामर वैल्यू दे, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो आपको जज बनाना है। जिसको जिस हम सारी चीजें करेंगे, पर जिसको जो जिसपे जिसको ज्यादा वैल्यू मिलती है, जैसे अभी हमारे बेसिक क्लास खत्म हो जाएगा, फिर चूजिंग क्लास होता है,
फिर जिसको क्या होता है, मैं बोल दूंगी आज अलंकार और संधि करवानी है, अब जिसको आना है आए, नहीं आना है मत आए, ठीक है। आज कहूंगी मैं आपको कराऊंगी मुहावरे, अब मुहावरे मुझे पता है कि 10 मार्क के पूछे जाते हैं। जैसे आपका जो सिस्टम है ना, मैं लोअर जुडिशरी को सेट करती हूँ, क्योंकि मुहावरे इसके लिए होता है, क्योंकि जैसे सास ने बहू को टॉन्टिंग मारा या मैनेजर ने सर को मारा, तो ये सब जुडिशरी में चलेगी वो चीजें, राइट। कहवते हैं जैसे यार कहते हैं ना परिश्रम पे है या कुछ भी है, तो ये जो ये जजमेंट वगैरह में आपका मुहावरे वगैरह बहुत चलते हैं, राइट। हमें क्या, हमें बनना जज है, तो मुहावरे इसके लिए चलेंगे कि यार वो लोग उसको ना वो दिन रात एक करवाते थे, उसकी बहू से इतनी मेहनत करवाते थे, वो सेंस नाचना जाने आंगन टेढ़ा, हाँ, तो लाइक दैट। आपको मैंने परसों कर 5 करवाए थे मुहावरे, हमने चालू कर दिए हैं, तो जैसे हाँ, तो वो जब है तो वो उसको हम वैल्यू देंगे, पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको जो ट्रांसलेशन के रूल आ जाएंगे संधि के उसके, तो आप कर पाओगे, रूल्स ही तो समझना है, बाकी आपके कितने 500 करोगे और उसमें से तो एक भी नहीं आएगा तो क्या करोगे, रूल्स आ गए तो आप कुछ भी मैनेज कर लोगे, रूल्स वी हैव टू अंडरस्टैंड रूल्स, क्या कह रहे हो विवेक जी? हिंदी में रूल्स तो मालूम है मैम, तो बस गुजराती के हिंदी में तो रूल्स मालूम है, तो गुजराती ना हूँ कराविश नहीं मैम, उसको सर आप उसको राइटिंग में कन्वर्ट, तो राइटिंग में रूल्स दे दूंगी, आप लिख लेना और क्या। नहीं नहीं मैम, आप तो रूल्स तो दे दूंगी ना मैम, लेकिन एक्चुअली मैम रूल्स तो हिंदी में भी मालूम है सर, आप एक बात बताओ 50 मार्क के लिए मैंने आपको रूल, सर जी सर जी सुनो सुनो सर जी, मैं आपको संधि भी दे दूंगी, संधि भी दे दूंगी, आप लिखते रहना, हाँ जी मैम मटेरियल में दे दूंगी, पर मैं यहाँ पे सिखाऊंगी नहीं, मैं कितनी संधियां सिखाऊ, सबके दो दो पांच पांच एग्जांपल सिखा सकते हैं, पूरी संधि का कराने जाऊंगे तो जो आता है वो भी भूल जाएंगे। नहीं मैम वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अब संधि एक प्रश्न एक क्वेश्चन आएगा कि आएंगे, क्योंकि सिलेबस तो लंबा है मैम। सर जी मैं आपको दो दो, जैसे राम रहीम हुआ तो राम अने रहीम, राम लक्ष्मण, जैसे मैं दो दो संधि दो पांच संधियां सिखा दी, दो पांच मुहावरे सिखा दी, द्वंद्व के दो एग्जाम्पल दिए, तो सबके दो दो पांच पांच एग्जाम्पल सिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई अंत नहीं है सिलेबस का, पर हमें 2 से 2000 बनाने आने चाहिए, दैट्स माई थिंग। अभी मैं कह रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग कुछ भी ट्रांसलेशन नहीं आया, चलो मैं भी आपको लिख के दे रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं आया, फिर भी मेरे स्टूडेंट्स इतने लिख के दे रही हूँ, देखो जजेस के सामने बोल रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग पेपर नहीं आएगा, मैं इतना नेगेटिव बोल रही हूँ, वो तो नेचुरली नहीं आएगा मैम, ठीक है, तो कोई मुझे पकड़ेगा नहीं, वो तो नहीं आएगा, तो कोई मुझे इतना बोलने के बावजूद भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे स्टूडेंट्स इतने इंडिपेंडेंट बने, कोई भी न्यूज पेपर का ट्रांसलेशन आ जाए दे कैन डू बाय देयर ओन, खुद करे, मैं इसीलिए रोज कहती हूँ कि न्यूज पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर हर एक चीज का एंड होता है। न्यूज़पेपर तो मैम रोज पढ़ नहीं सर, आप पढ़ो, पर अभी देखो जैसे थोड़ा बहुत एक लैंग्वेज में थोड़ी पकड़ आ जाएगी ना, परसों आप नहीं आए थे, शुक्रवार को 10 मुहावरे भी हुए थे, मैं भी मुहावरे शेयर करती हूँ आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, देन सॉल्यूशन पे जाओ, देन सॉल्यूशन पे जाओ, गुजराती लिखो, ठीक है, यहाँ पे अभी आप एंड में तो देखो, अभी मैं आपको पकड़ पकड़ के बोल रही हूँ, ये देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आया, पकड़ पकड़ के बोल रही हूँ, अभी आप हमारा फ्यूचर तो हुआ ही नहीं है, अभी तो हम प्रेजेंट और पास्ट में घूम रहे हैं, नहीं मैम राइट जो मैं कहना चाह रही हूँ, अभी अपाशे, अभी ये दिस वन इज, मैं आपको जो कर रही हूँ बता रही हूँ, दिस वन इज फ्यूचर टेंस, कराशे, ठीक है, मतलब किया जाएगा, कामदारों को देश निकाला जाएगा,
दिस वन इज से. ठीक है, पहले हम प्रेजेंट और पास्ट को तो हम गेम की तरह खेले. पॉइंट वन. पॉइंट टू, पहले हमारा गुजराती एक तरफ लिखो, एक तरफ इंग्लिश लिखो. मेरे पास होमवर्क नहीं आ रहा. अभी आपके पहले जो इसका इंटरव्यू था, मेरे पास अभी सुनैना, राहुल वगैरह का जो लास्ट परसों, मनोरमा जो मेंस क्लियर करे, उन्होंने मैंने पूछा, मैं रिकॉर्ड भी किया उनको कि हाउ यू क्रैक्ड मेंस एग्जाम, मैंने रिकॉर्ड किया. और दे टोल्ड कि मैम आप जो देते थे ना वो हम लिखते थे. आपको मैंने बार बार कहा कि गुजराती एक तरफ लिखो, उसको इंग्लिश लिखो दूसरी तरफ, फिर हमारा उसी इंग्लिश का आप गुजराती खुद बनाओ. मटेरियल तो हमें यहाँ पे ही गेम खेलना है, आप खुद आपका आंसर लिख सकते हो. राइट भूपेश जी, जो मैं कहना चाह रही हूँ, आपने गुजराती का एक तरफ इंग्लिश लिखा, एक पेज है, ठीक है, इस तरफ गुजराती लिखा, इस तरफ एंजल, एक तरफ गुजराती लिखा, फिर उसी के नीचे आप वही इंग्लिश का खुद गुजराती करो. बेटा एक नोट पेन दे दे, पेपर, एक बुक दे दो, नोट फुल स्क्रिप्ट दे देना. हाँ मैडम, मैंने ऐसे करके भेजा भी आपको. पर सर मैंने बहुत न्यूज़पेपर बनाया, देखो आपको. शी टोल्ड दिस तरफ आप इंग्लिश लिखो, आपका प्रिंट आउट निकालो, यहाँ पे चिपकाओ, ठीक है, नीचे आप खुद गुजराती लिखो, क्योंकि आपकी गुजराती लिखने की स्पीड बढ़ गई. इधर गुजराती का सामने ही उसका इंग्लिश लिखो, फिर इंग्लिश का नीचे गुजराती लिखो, नहीं है तो पीछे लिखो, क्योंकि हमारा गुजराती लिखना पक्का होगा तभी तो हमारा इंग्लिश टू गुजराती पक्का बनेगा. राइट, पॉइंट वन. पॉइंट टू, बीच में हिंदी आएगा ही आएगा, क्योंकि वो हिंदी से सीधी उतरती है गुजराती टू. ठीक है, देखो मैं जजमेंट राइटिंग की बुक भी है, मैं फोटो कॉपी करके आपको व्हाट्सअप कर दूंगी, स्कैन करके मैं आपको दिखाऊंगी. इतनी मोटी वाली बुक है, हाउ टू जजमेंट राइटिंग की बुक्स है, उससे मैं ट्रांसलेशन करवाती हूँ लोअर जुडिशरी में, क्योंकि उसमें सीआरपीसी आईपीसी सिविल सबके केसेस आ जाते हैं. ठीक है, कोई नए केसेस नहीं होते, वही 15 केस घुमा फिरा के होते हैं. एक जमीन का होता है, एक मेंटेनेंस का होता है, एक ये होता है, एक चोरी का होता है, एक मर्डर का होता है, वही 12-15 केस होते हैं, कुछ नए शब्द नहीं होते. ठीक है, और कुछ शायद मेरी गलती हो सकती है, बाकी शब्द वही होता है. पहले तो देखो सर, पहले हमारा गुजराती लिखना बहुत इम्पोर्टेंट, दूसरा हमारा पढ़ना इम्पोर्टेंट, तीसरा कल हम करेंगे, परसों वाला या कल वाला जो भी क्लास होगा उसमें मैं इंग्लिश टू गुजराती कराऊंगी, पर बीच में हमारा हिंदी पक्का होना चाहिए. अभी जैसे मैं जा रही हूँ, कोरोना महामारी ने दुनिया आंखी में हाहाकार मचाया है, 6 लाख 6 महीने से भारी मुश्किल में इसको हमें गुजराती टू इंग्लिश करना है. विवेक जी सुन रहे हो? जी जी. ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाए. एक सेकंड, 5 मिनट दे दो, फिर सबको डिनर का भी टाइम होगा. जी एक सेकंड, मैं मुहावरे करवा दूं. हाँ मुहावरे करे हुए मैंने, तो थोड़ा ठीक है. मुहावरे दिखाई नहीं दे रहे, एक सेकंड टाइम लग रहा है. आपको दिखाई दे रही स्क्रीन? अभी नहीं आई जी. आई आई थी? अभी नहीं आई है. आ जाएगी सर, आ गई. नहीं आवाज़. ठीक है, आ गई. कहाँ गए विवेक जी? जी विवेक जी दिखाई दे रहा है? जी मैम. ठीक है, अभी देखो हमने ए वाले 10 करे थे, ठीक है, हम 11 से करते हैं. देखो अब ए वाला मैं उठा रही हूँ, ये सारे 10th और 12th में पूछे गए थे. आंख मांडवी, ठीक है, पहला तो ये देखो, यहाँ से मैं करवा रही हूँ. आंख मांडवी, अब धारी धारी ने ध्यान थी जो, मतलब कॉन्शियस अटेंशन करना,
ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेट करना, फोकस करना। आंख मांडू छू, आंख मांडवी मतलब हूँ गुजराती ना क्लास मां आंख मांडू छू, मतलब मैं ध्यान ध्यान से दारी कहीं से देखती हूँ। अपने आप स्टेटमेंट्स बन गया? जी मैम बराबर। मैं स्टेटमेंट नहीं सिखाया, बट मैंने वही सिखाया कि हूँ गुजराती ना क्लास मां आंख मांडू छू, मतलब आई एम फोकसिंग इन गुजराती क्लास। ठीक है, अब थोड़ा और बनाना है तो हूँ गुजराती सीखवा माटे आंख मांडू छू। तड़का छाया जोवा मतलब धूप छाव देखना, सुख दुख नो अनुभव करवो, मतलब कहते हैं ना तूने, मैंने जैसे मम्मिया बोलती है इससे तो ज्यादा बहुत दिवालिया मैंने देखी है, एक टॉन्टिंग वे में याद रहेगा। तू क्या मेरे सामने बोलते, तुझसे ज्यादा तो दिवालिया मैंने देखी है। खुद को भी ऐसे याद रखवाना है, तड़का छाया जोवा मतलब हमने कहते हैं ना, हमने सफेद बाल धूप से नहीं किए, वो सेंस सुख दुख का अनुभव करना। ठीक है, खाना नहीं धारे जालवू मतलब इधर कुआं इधर खाई, अति जटिल परिस्थिति में जीवो, इधर कुआं इधर खाई मतलब मैं नहीं, अभी देखो मैं जज बनना छोड़ भी नहीं सकता, नहीं मैं वकीलात में ध्यान दे सकता, तो लाइक वो सेंस हूँ जज बनवा माटे खाड़ा नी धारे चालू छू, इधर कुआ इधर खाई, नहीं मैं बाहर निकल सकता नहीं मैं अंदर जा सकता। अंडरस्टूड? यस मैम बराबर। ठीक है, कान देवा वात ध्यान थी सांभरवी, हूँ मारा क्लास मा कान दऊ छू, अदरवाइज हूँ नवी वस्तु सीखवा माटे कान दऊ छू, मतलब मैं बात ध्यान से सुनता हूँ। समझ आया? बाजी धूर्मा मेरे में कुछ नया नहीं सिखा रही हूँ, देखो यहाँ पे वह निकल जाता है, फिर आगे वाले को बाजी धूर्मा मेरा वे मतलब बेकार जाना, अनसक्सेसफुल जाना मारी। देखो कोरोना ना कारण है लोगों ने बाजी धूर्मा मरी गई, मतलब जिसने जो प्लान किया वो सारा अनप्लान्ड हो गया, अनसक्सेसफुल हुआ, निष्फल हो गया। बात काफी सख्त बात का विरोध करवा मतलब मारो दोस्त मारी बात कापे छे, थर्ड पुरुष एक वचन, मेरा दोस्त मेरी बात काटता है, अपने आप स्टेटमेंट्स बन रहे। हूँ कापू छू, अमे कापीए छे, तू कापे छे, तमे कापो छो, ते कापे छे, ते ओ कापे छे। सिखाया था भूपेश जी? जी मैडम। कोई नई चीज नहीं है, उसी अपने आप स्टेटमेंट्स बन रहे हैं। मारो दोस्त मारी बात मारी बात कापे छे, मारा घर में कापे छे, मारो दोस्त मारी बात मारा घर में कापे छे, मतलब मेरा दोस्त मेरी बात मेरे घर में काटता है। ठीक है विवेक गुप्ता जी, जैसे मैं सिखाया था ग्रामर के साथ अकॉर्डिंग सेट हो रहा है जी। गुलशन जी आपको व्हाट्सएप मिल जाएगा इसका, अभी आप मत करो, इसमें भी शेयर कर देंगे प्लीज? हाँ मैंने आपको शेयर, आप ग्रुप में नहीं थे, मैंने आपको डाल दिया है और मैं डाल दूंगी, मटेरियल आपको मिल जाएंगे, मटेरियल आप करते बनो, मटेरियल की कोई कमी नहीं। मैम लास्ट क्लास है ना वो मैंने अटेंड नहीं किया था। कोई बात नहीं, मैंने व्हाट्सएप में शेयर किया था। और बताइए जैसे मनमा गांठ मंदाई जवी ये सारा कराऊंगी, पर मुझे ना अभी लग रहा है कि इट्स टेक एक दो दिन मुझे दे दो, आप थोड़े लैंग्वेज के साथ सेटल हो जाओ उसके बाद हमें ग्रामर भी करना। मैडम आप अपने हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। नहीं, सुनो सर, अभी विवेक जी गुलशन जी और सिद्धार्थ जी थोड़े लैंग्वेज के साथ नए हैं, थोड़ा ग्रामर सेट हो जाएगा ना, फिर मैं फटाक से इस चीजें से दौड़ेगी, फिर आप मेरा मेहनत एक घंटे का होगा, आपको पूरे दो दो दिन लगेंगे। मैं आप पहले लॉ पक्का कर दो, ठीक है जी। मैं आपको कहूंगी आपको 50 मुहावरे एक दिन में याद करने, फिर मैं कभी भी टेस्ट ले लूंगी, मतलब हमें 500 मुहावरे करने हैं। 500 मुहावरे मतलब 10 मार्क हमारे कहीं नहीं गए, क्योंकि मुहावरे हर साल पूछे जाते हैं लोअर जुडिशरी में, कहवते करनी है जो हमें पूछा जाता है। मेन मैं देख रही हूँ जीपीएससी का पेपर, जीपीएससी में भी मुहावरे आते हैं, कहवते आती है, संधि आती है, अलंकार आते हैं, समास आते हैं। विवेक जी जी मैम सही कह रही हूँ मैं?
नहीं दूसरे हमारे विवेक जी देखा नहीं, नहीं, नहीं। वो पर, नहीं दूसरे विवेक जी परेशान हो रहे थे। हाँ आहूजा जी बोलिए, आहूजा जी हेलो, आहूजा जी पता नहीं, ठीक है कोई इश्यू नहीं, एंजॉय। व्हाट आई एम टेलिंग इज कि चीजें सेट हो जाएगी, आप टेंशन मत करिए, ठीक है। आप करते बनो, लॉ पक्का रखो, टाइम सिर्फ गुजराती को दो। गुजराती में पास हो जाओगे तो आगे वाली सीढ़ी हमारी नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी। गुजराती लॉ में पास हो गए, गुजराती में फेल हो जाओगे तो बाकी सारा जीरो। मेरी आपकी एग्जाम नहीं है, मेरी एग्जाम है, ठीक है। मुझे बताना है कि नहीं, हमने करके दिखाया है, ठीक है। आपको जितना जितना पता है, अभी जैसे इंटरव्यू होता है तो मुझे टेंशन होता है कि मुझे इंटरव्यू क्रैक कराना है, क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे बलबूते यहाँ पे इतनी मेहनत करके आते हैं। और कोई डाउट, आहूजा जी आप दिखाई नहीं दे रहे हो, विवेक आहूजा आज नेटवर्क इश्यू आ रहा है। हाँ बोलिए, कोई डाउट है, कोई डाउट? नो। अच्छा अच्छा ठीक है, सो एंजॉय योर डिनर एंड एंजॉय योर इवनिंग, टेक केयर एंड बाय बाय। डन मैम, डन।